दिस इज़ मधु और ये मेकअप लुक मैंने किया है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने आई लुक क्रिएट किया है। वो बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए किया है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा मेकअप टूल्स या फिर बहुत हाई प्राइस के मेकअप किट ना हो तो भी बिगिनर्स इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के साथ में मैंने ये वाला जो मेकअप लुक है वो क्रिएट किया है। पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आईज़ के ऊपर ही फोकस किया है। मीन्स मैंने यहाँ पे अपना जो फेस पे बेस रहता है वो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। मीन्स मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर मॉइस्चराइज़र सब कुछ पहले से लगा लिया है एंड लिप बाम भी मैंने जस्ट अभी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया। और मैं यहाँ पे सिर्फ आई मेकअप कर रही हूँ जो कि बिगनर्स के लिए तो बहुत ईजी है जो इस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेस ऑलरेडी डन है मेरा और मैंने यहाँ पे HR की जो मेरे पास आईब्रो पेंसिल है जिसमें मैंने एक स्पूल ली है तो उसके हेल्प से मैंने पहले आईब्रोज़ को कोम्ब किया देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा फिल इन किया क्योंकि टचवुड मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी थोड़ी थिक हैं तो इसलिए जहाँ पे मुझे हल्का सा गैप लगा सर मैंने वहीं पे उसको फिल इन किया। और ये बहुत ही अफोर्डेबल मिल जाती है, ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं यही यूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास यही वाली है। और इसमें ना दोनों तरफ से एक साइड से आपको कोम मिल जाता है स्पूली जिससे आप ब्रश इन कर सकते हो, दूसरी तरफ से फिल इन करने का इसके अंदर दिया रहता है। तो ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का है पर आईब्रोज करते हुए हल्का सा अगर आप ब्राउनिश कलर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक उस वक्त ये वाला शेड अवेलेबल नहीं था जब मैंने इसको ऑनलाइन लिया था तो, पर इट्स ओके मेरी आईब्रोज भी ब्लैक ही है तो काम चल जाता है उससे। देन मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा सा एजेस को एकदम क्लीन लुक देने के लिए और मेरी जो आईलेड है वो थोड़ी सी पिगमेंटेड है तो इसलिए मैंने वहाँ पे NYB का कंसीलर यूज़ किया जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, बिगनर्स भी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, इवन जो लोग मेकअप लवर हैं वो भी इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ड्राई है तो इस वजह से थोड़ा सा ये केके हो जाता है, इसके लिए मुझे ना पहले मॉइस्चराइज अपनी आईज़ को भी करना पड़ता है जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो काफ़ी सही है, इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स भी मिल जाते हैं। तो ये करने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि एक शार्प और अच्छा सा एक आईब्रोज़ के ऊपर लुक आ जाए और जब मैं आई शेडो अप्लाई करूँ तो आईज़ के ऊपर भी जो कलर रहेगा वो पॉप अप होकर अच्छे से आएगा। ब्रोज एंड जो आईलेड है वो कंसील हो गए हैं दोनों। इसके बाद मैंने HR की शेड नंबर 02 आई शेडो पैलेट लिए जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसका रिव्यू किया था और मैंने इसको अमेजोन से परचेज़ किया था। तो इसमें से मैंने एक कंसीलर पाउडर के जैसे एक शेड है वो वाला शेड लेके उसको अपनी आईज़ को मतलब लिट के ऊपर पूरा अप्लाई कर दिया जैसे कि हम कॉम्पैक्ट के साथ करते हैं क्योंकि मुझे एक शार्प लुक चाहिए तो इससे मैंने कॉम्पैक्ट को अवॉइड करके वही वाला जो शेड है वो अप्लाई किया जिससे एक कलर जो है वो अच्छे से निकल के आएगा क्योंकि ये एक ब्लैक न्यूड आई मेकअप लुक है आप। और ये मैंने ना ब्लैक कुर्ती के ऊपर ही स्पेशली इस लुक को क्रिएट किया क्योंकि अगर आप डे में जा रहे हैं कहीं पे तो ब्लैक कलर की अगर कुर्ती पहनते हैं तो वाह वाह कितना अच्छा दिखता है ना, तो इसलिए। और बहुत ज़्यादा आपका मेकअप लुक जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, अगर आप डे आउट में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैवी ना, क्योंकि अगर आप आईज़ को ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपका जो पूरा फेस का मेकअप लुक है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा या मीडियम तो ही चलेगा, अदरवाइज़ आप पूरा फेस को बहुत हैवी कर लोगे ना तो वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना पूरा फोकस सिर्फ आईज़ के ऊपर ही किया है। यहाँ पे जो काजल यूज़ कर रही हूँ वो है पतंजलि वाला काजल और ये इस तरह की जैसे कि लिपस्टिक आती है ना उस तरीके की आता है तो इसका मतलब अफोर्डेबल भी है और आप इसको एज अ काजल आईलाइनर के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ना अपनी आईलिड के ऊपर मतलब जहाँ पे आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क लगाया, मींस बोल्ड आईलाइनर आप बोल सकते हो ऐसा लगाया क्योंकि जिस मुझे ना इसको स्मच करना है और काफ़ी अच्छे से हो जाता है इसमें। तो और इसका जो कलर है वो भी काफ़ी रिच डार्क कलर है, ऐसा नहीं थोड़ा कि डाउन जाए पर अच्छा कलर है ब्लैक में। और मैंने यहाँ पे काजल आईलाइनर के जैसे दोनों आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया और फिर उसके बाद एक जो क्यूबर्ड रहता है वो लेके आराम से इसको स्मच करना है, बहुत आपको क्रीज तक नहीं जाना है, बाहर तक मतलब आउटर वी पे भी नहीं जाना है, सिर्फ जहाँ पे आपने आईलाइनर लगाया ना वहीं पे बस इसको स्मच करते जाना है। वैसे आप ये वाली प्रोसेस ना आप फिंगर से भी कर सकते हो, उससे भी आराम से हो जाएगा, बस आपको करना मतलब अच्छे से करनी आनी चाहिए। आप अपने आईज़ को ना हार्म मत कर लेना जब अगर आप ये प्रोसेस करोगे, आप 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से आपको भी आ जाएगा। मुझे भी थोड़ा सा सीखने में वक्त लगा था पर इजी रहता है करना, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर आप एक ही दिन में सोचोगे एक ही दिन में तुरंत कर लो तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है,
अब मैं थोड़ा सा ना आईज़ के ऊपर की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे क्रीज रहती है ना वहाँ पे, बस पूरे में स्मच नहीं करना है, बस मैं थोड़ा सा ही इसको करूँगी, बाकी का सारा मैं आई शेडो से फिर करने वाली हूँ। देन मैंने यहाँ पे एक पतला वाला छोटा वाला ब्रश लिया है जो कि ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन ब्रश है, और इसमें से मैंने आई शेडो में से जो ब्लैक आई शेडो है उस कलर को पिक करके इस पूरे आईलाइनर के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी, और जहाँ भी कुछ गैपिंग दिख रहा होगा वो भी अप्लाई कर लूँगी। काजल ब्लेंड करने के बाद आई शेडो लगाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो आई मेकअप लुक है वो स्मच ना हो, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये जो आई शेडो पाउडर फॉर्म में रहेगा ना उससे आपका जो आई मेकअप लुक है वो सेट हो जाएगा, तो आई ये करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैंने सेम आई शेडो पैलेट लिया और उसमें से एक ब्राउन कलर का शेड को लेके सिर्फ मुझे जो मेरी क्रीज है ना वहाँ पे मुझे बिल्डअप करना है, बस मैंने बाहर बाहर कहीं नहीं आउटर वी पे नहीं जाना है, सिर्फ वहीं वहीं पे आपको आइस की लिड के ऊपर इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। और मैंने यहाँ पे जो दूसरी आई है वो भी उसको भी कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने एक शिमर कॉपर कलर को लेके जहाँ पे मैंने ब्राउनिश कलर लगाया था लिड के ऊपर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उसको अप्लाई कर लिया। जो मैंने ब्लैक वाला आई शेडो पहले लगाया था जिस ब्रश की हेल्प से, बस उससे ही मैंने जो मेरा वाटर लाइन है लोअर वाटर लाइन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लगा ली, क्योंकि बहुत हैवी लुक मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे आईलाइनर को अवॉइड किया। देन इसके बाद मैंने आईलैशेस को अपने कर लिया, सेम वही बोरिंग स्टेप, मतलब बोरिंग नहीं पर मुझे अच्छा लगता है, और ना इस सोच रही हूँ उसके ऊपर एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँ, क्योंकि जब भी मैं आईलैशेस कर्ल करती हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, तो जो कुछ भी मैं मुझे लग रहा है मैं सीख रही हूँ वो आपके साथ भी मैं शेयर करती जाऊँ। फिर इसके बाद जब आप आई लैशेज़ कर्ल करने के बाद जब मस्कारा अप्लाई करते हो ना तो आँखें बिल्कुल अलग ही दिखाई देती हैं यार, मीन्स एकदम नेचुरल आइज दिखाई देती हैं। तो ये ब्लू हेवन का मस्कारा है जिसको मैंने अप्लाई किया अच्छे से, मस्कारा लगाने की भी ट्रिक होती है, बहुत हल्का हल्का सा मस्कारा लगाओगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि थोड़ा सा थिकर आई मस्कारा लगाओगे तो बहुत अच्छे से आईज आपकी दिखाई देती है। इसके बाद मैंने एक नॉर्मल सी जो मतलब पिंक कलर की लिपस्टिक है मेरे पास मैट में, वो लेके ऐसा ब्लशर के तौर पे बस हल्का हल्का सा टिंट किया है, बहुत हैवी नहीं लगाया, और जो मेरे पास आई शेडो है HR का उसका ही मैंने एक गोल्डन कलर को लेके एज अ हाइलाइटर अपनी चिक बोन पे, थोड़ा सा नोज़ पे, जॉ लाइन के ऊपर भी इसको लगा लिया। मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो अगर आपके पास एक ही आई शेडो पैलेट है तो आप उससे ब्लशर भी लगा सकते हो, आई मेकअप भी कर सकते हो, जो गोल्डन या शिमर कलर दिया होता है उससे आप अपनी हाईलाइट भी कर सकते हो, तो बिगनर्स के लिए बहुत सही है। मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक के कलर को चूज़ किया, एक है लॉरियल पेरिस सिग्नेचर ड्यूज लिपस्टिक जिसको जो कि मुझे PR में मिली थी, तो मुझे काफ़ी पसंद है वो सारी लिपस्टिक, तो उसमें से एक मैंने ये पिंकिश न्यूड कलर चूज़ किया है, और एक मेरे पास है रेड लिपस्टिक जो कि मैंने लोकल मार्केट से ली थी। इसके बाद बस ये लुक जो मेरा कंप्लीट हो गया, इसके साथ में मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई, इयर रिंग डाले, एंड अपना जो पंजाबी वाला मेरा फुलकारी दुपट्टा होता है कलरफुल वो लिया, और हो गया मेरा मेकअप लुक। तो आई होप कि आपको ये वाला लुक जो है वो अच्छा लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं क्रिएट करना है बस आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आप थोड़े से मेकअप प्रोडक्ट के साथ में ही प्ले कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। एंड यहाँ पे ये रेड लिपस्टिक के साथ मेरा लुक है, आई होप कि आपकी दोनों लोग पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ इंस्टाग्राम की रील भी बनाइए तो वहाँ जाके भी देख लेना। चलिए अब मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।